हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट के अपडेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग को एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, तो रिज़ल्ट का आप लोग वेट कर रहे हैं। तो कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं इस पे ला रहा था, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता हूँ जब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक ना मिल जाए। तो कुछ टीचर से जो कॉपी चेक करते हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो सर बोले हैं कि 10 मार्च तक में भी कॉपी समाप्त हो जाए, चेकिंग का प्रोसेस 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 4 से 5 दिन लगता है रिज़ल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो ऐसा उम्मीद है कि 15 से 20 मार्च के बीच में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन है कि सर लोग बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगा 10 मार्च तक, कॉपी का प्रोसेस ऑल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 15 से 20 के बीच में रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो होली से पहले ही चला आएगा रिज़ल्ट। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जिस दिन भी रिज़ल्ट आएगा उस दिन पुराना वाला रिज़ल्ट को हटा दिया जाता है, ताकि सर्वर में कोई फाइल वगैरह करप्ट ना हो जाए। तो उस दिन, जिस दिन भी रिज़ल्ट आता है उस दिन पुराना वाला रिज़ल्ट ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब उस दिन रिज़ल्ट आएगा। तो जिस दिन भी रिज़ल्ट क्लियर होगा उस दिन वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय।